हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक्स चैनल। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4। जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोस में, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे पॉइंटिंग टू अननोन पर्सन। जैसे फ्रेंड्स, जो मेरे कम्पिटेटिव एग्जाम्स रहेंगे, वो सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो अगर सी फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन एक से ज्यादा का रहेगा, तो जैसे मैंने टॉपिक 2 और टॉपिक 3 में पढ़ाया है आपको, तो उस टॉपिक से पूछेंगे। बट ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स रहते हैं उसमें वो क्या करते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब एक नंबर का वो क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली क्या करेंगे, वो इस टॉपिक से ही वो पूछेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जैसे मेरा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर कोई फोटोग्राफ है, उसको फोटोग्राफ है उसके बाहर कोई या कोई बंदा खड़ा है, तो उसकी तरफ वो पॉइंट करके कोई स्टेटमेंट बोल रहा है। तो जो भी स्टेटमेंट बोल रहा है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसकी जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका वैल्यूज हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, हम पहले ये रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, और उस हिसाब से हमारे पास कुछ स्टेप्स रहेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज सी इज द ओनली मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स ओनली सन। और क्वेश्चन में उसने पूछा कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अ मैन। तो सी फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि बोल कौन रहा है, हु सेज, तो जो भी रहेगा उसको हम पहला हमारा टारगेट रहेगा, और उसके बाद जो भी रहेगा मेरा वर्ड माय, उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि पूरे स्टेटमेंट में वो माय किधर लिखा हुआ है। फिर जो भी बंदा बोलता रहेगा, जो सेज करता होगा, जो बोलता होगा, उसको हम क्या करेंगे, माय की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और पूरा वैल्यूज क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे, और देखेंगे जरा उस क्वेश्चंस के कैसे हमारे वो क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। तो सी क्या बोल रहा है, अ मैन सेज, तो यहां मैं लिख देता हूं अ मैन सेज। तो मैन क्या बोलता है आप ये बताइए, मैन सेज के बाद मैंने बताया कि हु सेज, तो वहां हम लिख देंगे, और उसके बाद जो मेरा वर्ड रहेगा, जो शब्द रहेगा माय, तो उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो माय किधर लिखा हुआ है, इधर माय लिखा हुआ, तो ये माय वर्ड्स है। तो इसके बाद जो जो भी लिखा रहेगा स्टेटमेंट, उसको हम रीड करेंगे। तो क्या लिख रहा है, अब मैन, जैसे मैंने बताया कि माय की जगह पे जो जो सेज कर रहा होगा, जो बंदा बोलता होगा, उसको हम यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो माय की जगह पे आप मैन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, मैन वाइफ्स ओनली सन, मैन वाइफ्स ओनली सन। तो मैन की क्या है, इधर एक वाइफ है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक मैरिड कपल है। तो मैन्स वाइफ मतलब ये फीमेल, और ये क्या हो जाएगा, मेल। तो जैसे मैंने बताया था वीडियो के मेरे इंट्रोडक्शन वगैरह में, कि हम क्या करेंगे, फीमेल को सर्कल से और मेन को स्क्वायर से करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद इस पे आए। तो सी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मैन वाइफ्स ओनली सन, मैन्स वाइफ ओनली सन। तो अब भी हम क्या है, इस पॉइंट पे है। सी फ्रेंड्स, अभी हम क्या है, इस पॉइंट पे है। तो क्या बोल रहा है, मैन वाइफ्स ओनली सन, तो नाउ वी आर एट दिस पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्लोज हो गया। तो जैसे ही फिनिश हुआ, उसके बाद हम यहाँ थे, लेकिन हमने क्या किया हुआ था, माय के बाद हमने पूरा रीड किया था। तो अब क्या करेंगे, माय से पहले के पूरे जो भी वर्ड्स रहेंगे उसको हम रीड करेंगे, और अभी के फिलहाल हम इस सिचुएशन पे खड़े हैं। तो क्या बोल रहा है, फादर, तो इसके फादर कौन हुए, ये सन है तो इसका फादर, ये मदर है तो यहाँ क्या हो गया, हस्बैंड, तो इसका फादर कौन है, ये। तो नाउ वी आर एट दिस पॉइंट, तो हम क्या है, इस पॉइंट पे खड़े हैं। तो सी अब क्या हो गया, इस पॉइंट पे हम खड़े थे, अब क्या बोल रहा है कि फादर से पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, सी इज द मदर, सी इज द मदर ऑफ, तो क्या है, सी इज द मदर ऑफ, तो क्या है, मैन का एक माँ है। तो ये मैंने यहाँ क्या कर दिया, सर्कल, सर्कल मींस क्या हो गया, फीमेल। तो ये लिख रहा था कि सी इज द मदर ऑफ, तो सी इज द मदर ऑफ, तो फादर से पहले यहां हम खड़े थे, तो इसके पहले क्या बोल रहा है, सी इज द मदर ऑफ। तो हम अभी हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, इस पोजीशन पे हम खड़े हैं। तो पूरा मेरा स्टेटमेंट फिनिश हो गया, और हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, इधर। तो अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रहा है कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अ मैन। तो जैसे मैंने बताया था कि जो भी मेरा लास्ट रहेगा, जो भी मेरा लास्ट रहेगा, उधर से हम क्या करेंगे, मेन पे हम क्या करेंगे, जाएंगे। तो मेन से लेके हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मेन से वुमन पे जाएंगे।
जैसे मैंने बताया हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अ मैन, तो मेन से हमारा क्या रहेगा पीछे, तो मेन से लेके ये वुमन पे, तो यहाँ से इसकी पोजिशन पे हमें जाना है। तो ये बोल रहा था हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अ मैन, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप बताइए फाइनल मेरा आंसर कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इस पोजिशन पे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा मदर। सी फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं इसको, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा मदर। तो ये क्वेश्चन समझा, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी मेरा क्वेश्चन रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे कि कौन बोल रहा है, कौन सा ऐसा बंदा बोल रहा है। तो यहाँ मेन बोल रहा है तो हमने यहाँ मेन को लिख दिया। अब मेन के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा उसको क्या करेंगे, हम माई वर्ड ढूंढेंगे और माई वर्ड की जगह पे उस मेन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ मेन मेन वाइव्स, सो मेन इज ऑल मतलब ये क्या होगा मैरिड कपल, तो इसकी वाइफ, तो हमने उसको सर्कल से डिनोट कर दिया और क्या है एरो मार्क जैसे मैंने बताया हुआ था डबल साइडेड एरो। तो वाइफ्स ओनली सन, तो हम यहाँ थे। अब जैसे मैंने माया के बाद हमने वर्ड को रीड किया होता तो आप क्या करेंगे, माया से जो पहले वाले वर्ड्स हैं उसको हम रीड करेंगे। तो हम इस पोजीशन पे खड़े थे तो इस पोजीशन से क्या बोल रहा है फादर, तो इसके फादर कौन होंगे ये। अब हम पोजीशन पे यहाँ फादर की जगह पे हम यहाँ खड़े हो गए थे और उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी इज द मदर ऑफ, तो इसका मदर कौन हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अ मैन, तो मतलब इस मैन से इस वुमन का रिलेशन, तो क्या हो जाएगा मदर का रिलेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स कुछ कितने क्वेश्चन इजी हैं। तो अभी मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ नंबर टू, हम उसमें और कुछ क्वेश्चन देखते हो, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू अ जोकर मधु सेज ही इज द सन ऑफ माई फादर ब्रदर ओनली सिस्टर इन लॉ। और क्वेश्चन में बोला है कि हाउ जोकर इज रिलेटेड टू मधु, मतलब मैं जैसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि बोल कौन रहा है बंदा कौन सा है, हु सेज, तो उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ जैसे मुझे दिख रहा है सेज के बगल में कौन है मधु, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे मधु। तो सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मधु सेज, तो अब मेरा टारगेट क्या था कि जो बंदा बोल रहा होगा उसके बाद हम क्या करेंगे माय वर्ड्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो माय वर्ड किधर दिया हुआ, इधर दिया हुआ, सी यहाँ मेरा क्या हुआ माय वर्ड दिया। तो अब माय वर्ड जैसे मिलेगा उसके बाद हम करेंगे जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसके माय के बाद हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सी मधु फादर, तो मधु के फादर ये हो गए। ठीक है एक काम करता हूँ मैं फ्रेंड्स नीचे थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ मेरा स्क्रीन में पूरा नहीं आ पाएगा। सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मधु, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया मधु। सी मधु सेज, जो भी था मधु को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि मधु फादर, सो मधु के फादर हो गए यहाँ, मधु फादर ब्रदर, तो फादर के ब्रदर मतलब ये सेम जनरेशन में हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ अब ब्रदर है तो यहाँ मेरा मेल और फादर यहाँ तो ऑब्वियसली मेरा मेल। तो मधु फादर ब्रदर ओनली सिस्टर इन लॉ, तो किस केस में ये ब्रदर फादर मतलब इसके ब्रदर इसको सिस्टर इन लॉ बोलेगा, डेफिनेटली ये क्या होगा मैरिड कपल, तो ये यहाँ हो गए तो ये क्या हो जाएगा ये फीमेल पर्सन। तो सी हमने क्या किया, जो सेज कर रहा है जो बोलना बोल रहा है उसको हम पहले यहाँ लिख लिया और उसके बाद माय वर्ड को हमने फाइंड आउट किया और उसको हमने माय की जगह पे जो सेज कर रहा था जो बोल रहा था उसको हमने वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो मधु फादर ब्रदर सिस्टर इन लॉ, तो डेफिनेटली सिस्टर इन लॉ तो क्या होगा ये जो ब्रदर था इसका ये डेफिनेटली क्या होगा मैरिड कपल होंगे, तो हम इस पोजीशन पे यहाँ खड़े हैं तो ओनली सिस्टर इन लॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे माय से जो मेरा पहले का वर्ड था उसको हम रीड करेंगे, तो ये पूरा था ही इज द सन ऑफ, तो मतलब ये क्या है ऑब्वियसली इसके एक क्या है सन है, तो सन मतलब क्या हो जाएगा मेल पर्सन। तो सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि मधु सेज यहाँ फादर ब्रदर सिस्टर इन लॉ, सो सिस्टर इन लॉ ये केस में ही होगा कि ये क्या मैरिड कपल है, तो हम यहाँ खड़े हो गए थे और उसके बाद हमने माय के पहले वाले सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, तो ही इज द सन ऑफ, तो ही इज द सन ऑफ, तो मतलब इसका एक कोई सन यहाँ है, तो हम इस पोजीशन पे खड़े हैं और जो भी मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ था ये सारे स्टेटमेंट मेरे फ्रेंड्स क्या हो गए हमने उसको यहाँ ट्री डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ जोकर इज रिलेटेड टू मधु, मतलब मधु से इस पोजीशन पे हमें क्या फाइंड आउट करना है आंसर फाइंड आउट करना है, तो ये क्या था सन था। अभी वी नो कि मधु के फादर कौन है ये, और
ये इसकी वाइफ है और ये दोनों क्या है, मैरिड कपल है और इनके चिल्ड्रन ये दोनों है। तो मतलब अगर मधु और ये सन, तो सन है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मेल पर्सन। तो ये इसको क्या हो जाएगा, अगर इसके दो चिल्ड्रन है और ये सन है तो डेफिनेटली मधु इसको क्या बोलेंगी, ब्रदर। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ ब्रदर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सी क्वेश्चन कितना ज्यादा इजी है, बस हमें क्या करना है, माइंड को कूल करके हमें क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना। और पेपर जैसे मैंने बताया कि ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं और एक नंबर के लिए पूछा तो डेफिनेटली इस पार्ट से ही जाएंगे टॉपिक नंबर 4 से, और 2 या 3 नंबर का पूछा तो टॉपिक नंबर 2 और 3 जो मेरे पिछले वीडियोज हैं तो आप उसे देख लो, उसमें क्या करेंगे वो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन वो पूछते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉस हस्बैंड ओनली सिस्टर, एंड क्वेश्चन इज हाउ वुमन इज रिलेटेड टू अ मैन। तो जैसे मैं फर्स्ट स्टेप बताया था, आप फ्रेंड्स बताइए, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि अ मैन सेज, तो जो हु सेज बोलेगा उसको हम यहाँ क्या करेंगे लिख लेंगे। तो क्या कर रहा है, अ मैन सेज, सो अ मैन सेज। उसके बाद हम क्या करते थे सेकंड स्टेप में, जो मेरा माय वर्ड है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो माय पूरे क्वेश्चन में किधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, तो माय की जगह पे वो मैन सब्स्टिट्यूट करके आगे के पूरे स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। तो मैन डॉटर इन लॉस, सो मैन का डॉटर इन लॉ कभी हो सकता है कि जब भी मैन को कोई सन होगा और सन क्या होगा, मैरिड टू अ सम फीमेल पर्सन ऑब्वियसली, तो क्या हो जाएगा, देन ओनली दिस मैन कॉल्ड हर एज अ डॉटर इन लॉ। तो क्वेश्चन में देखिए, अभी डॉटर इन लॉ तक हम इस पोजीशन पे खड़े हैं, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, डॉटर इन लॉस हस्बैंड, सी डॉटर इन लॉस हस्बैंड, तो हम नाउ यू आर स्टैंडिंग हियर, तो हम क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉस हस्बैंड इज हियर ओनली सिस्टर, तो इसकी क्या है, एक बहन है, तो बहन क्या हो जाएगा सेम जनरेशन में, विच इज ऑल्सो अ फीमेल पर्सन, तो नाउ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पोजिशन। तो सी मैं फिर से रीड करता हूँ, अ मैन डॉटर इन लॉ, तो मैन को सन और सन इज मैरिड टू अ पर्सन, सो देन ओनली दिस मैन कॉल्ड हर एज अ डॉटर इन लॉ, एंड डॉटर इन लॉस हस्बैंड ओनली सिस्टर, तो हम इस पोजिशन पे अभी खड़े हैं। अभी मैंने क्या किया, माए के बाद के जो स्टेटमेंट थे आफ्टर दी माए, हमने सारे स्टेटमेंट को हमने रीड कर दिया। अब क्या करेंगे, माए से जो पहले वाले वर्ड रहेंगे उसको हम रीड करेंगे। हम इस पोजिशन पे भी खड़े हैं, इस पोजिशन पे, तो उसके पहले माए के पहले वाला क्या बोल रहा है, वर्ड सी इज द मदर ऑफ, तो सी इज द मदर ऑफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक मदर, तो ये क्या है, ये एक सी इज द मदर ऑफ, तो डेफिनेटली क्या बोल रहा है, सी इज द मदर। तो अगर ये मेन है, ये मदर है और ये क्या है इसका सन, और सन का ये क्या है सिस्टर, तो डेफिनेटली वी कैन से दिस आर द मैरिड कपल एंड दिस फीमेल, तो ये क्या है मेल, ऑब्वियसली ये मैन दिया हुआ है। तो हम क्या हुआ, सारे क्वेश्चन को हमने डायग्रामेटिकली हमने ड्रॉ कर दिया, जो भी मेरे स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। मैं फिर से रीड करता हूँ, अ मैन सेज डॉटर इन लॉस, सो देन ओनली मैन डॉटर इन लॉस सन होगा और उसका वाइफ, तो देन ओनली दिस नोन एज डॉटर इन लॉ, मैन इसको बोलेगा, और क्या बोल रहा है, उसके बाद हस्बैंड, तो डॉटर इन, हम इस पोजिशन पे खड़े थे तो इसका हस्बैंड कौन है, ये, और हस्बैंड ओनली सिस्टर, तो हम इस पोजिशन पे खड़े थे। ये मेरा क्या था, माए के बाद के सारे वर्ड्स थे। अब क्या करेंगे, माए के पहले वाले वर्ड क्या थे, सी इज द मदर ऑफ, तो इसका मदर कौन है, ये, देन ओनली दिस टू आर द मैरिड कपल, तो हमने ये पूरा जो क्वेश्चन था उसको हमने ट्री डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ वुमन इज रिलेटेड टू अ मैन, मीन्स क्या हो जाएगा, मैन से वुमन का रिलेशन, मतलब हम इस पोजिशन से इस पोजिशन पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यहां से यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर इज वाइफ, तो देन ये मैन इसको क्या बोलेगा, वाइफ, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा वाइफ का। सी क्वेश्चन फ्रेंड्स कितना ज्यादा इजी है, मैं एक नंबर 4 लेता हूँ जिससे आप इस टॉपिक में और ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। सी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर 4 में, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेज, तो जैसे मेरा फर्स्ट स्टेप रहता क्या है कि मैं पहले क्या लिख देता हूँ, जो भी मेरा हु सेज बोलता है, मतलब जो भी बंदा बोलता है उसको हम पहले लिख देते हैं।
और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जहां भी मेरा माय वर्ड रहता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, और उसकी जगह पे जो बंदा बोल रहा होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये माय है, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, उमन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब क्या हो रहा है, उमन ओनली डॉटर इन लॉ। तो उमन का अगर कोई डॉटर इन लॉ है तो डेफिनेटली इसका कोई एक ये होगा सन होगा, और सन क्या होगा, मैरिड टू अ सम पर्सन विच इज अ फीमेल, देन ओनली दिस उमन कॉल्ड हर एज अ डॉटर इन लॉ। सो ये केस में ही मेरा क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ यहां तक था, तो हम क्या किस पोजिशन पे खड़े हैं, यहाँ पोजिशन, इस पोजिशन पे भी हम यहाँ खड़े हैं। और इसके बाद क्या बोल रहा है कि डॉटर इन लॉस फादर इन लॉ, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये डॉटर इन लॉ है तो किसको फादर इन लॉ बोलेंगे, हस्बैंड फादर। तो अगर ये वुमन है डेफिनेटली ये क्या होगा, ये मैरिड कपल है, तो देन ओनली दिस वुमन कॉल्ड ही इज एज अ फादर इन लॉ। तो वाइफ हस्बैंड फादर फादर इन लॉ। तो हम जो भी माय के बाद जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको हमने रीड किया, उसका डायग्राम हमने ड्रॉ किया, ट्री डायग्राम, और जो भी मेरा स्टेटमेंट फाइनल फिनिश हुआ माय के बाद वाला, उसके बाद हम इस पोजीशन पे खड़े हैं, ये पोजीशन पे। तो सी अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहता है कि जो भी मेरा माय के पहले वाला वर्ड है उसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, उसको डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो ही इज द फादर ऑफ, ही इज द फादर ऑफ, तो क्या हो जाएगा, इसका एक फादर है तो यहां मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो ही इज द फादर ऑफ, यही बोल रहा था, ही इज द फादर ऑफ। तो नाउ वी आर स्टैंडिंग एट दिस पोजिशन, मतलब अभी हम यहाँ खड़े हैं ये ऊपर वाले पे। तो सी फ्रेंड्स, अभी हम इस पोजिशन पे खड़े हैं ऊपर पे। तो अब मेरा ये पूरा जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये पूरा स्टेटमेंट हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने ट्री डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, हाउ मैन इज रिलेटेड टू अ वुमन, मतलब क्या होगा, वुमन से ये मैन की तरफ जाएगा, मतलब ये वुमन और ये मैन, तो क्या हो जाएगा, वुमन हस्बैंड फादर, वुमन हस्बैंड फादर, तो क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ, ये क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। सी वुमन हस्बैंड फादर, देन ओनली नोन एज फादर इन लॉ ना, यही क्वेश्चन बोला था कि हाउ वुमन इज रिलेटेड, सॉरी मैन इज रिलेटेड टू वुमन, मतलब वुमन से मैन का रिलेशन, तो ये वुमन और यहाँ मैन, मैन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड फादर फादर इन लॉ। तो सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन कितना ज्यादा इजी आता है, आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बन जाएगा, एक नंबर का पूछता है, ज्यादा डिफिकल्ट भी वो नहीं देते। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, और सी फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नंबर, कुछ अलग क्वेश्चंस लूंगा, तो उसमें भी आप देखना इसके बाद वाले वीडियो में। बट ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, अगर वीडियो में क्वेश्चंस के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।